मोटापा यानी ओबेसिटी एक ऐसी समस्या जो अब आम हो चली है। बदली जीवन शैली और भागम भाग की जिंदगी ने इस समस्या को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। मोटापा महज समस्या नहीं बल्कि एक ऐसी बीमारी है जो दूसरी बड़ी बीमारियों का भी घर है। लेकिन अब मोटापे से परेशान लोगों को चिंता की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मोटापे से मुक्ति आसान है। भंडारी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर, एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश में बनाई है एक अनूठी पहचान। लोग यहां सपनों सा शरीर पाने की चाहत ले आते हैं। तो वहीं डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारी से निजात पाकर जाती हैं। बैरियाटिक सर्जरी एवं डायबिटीज को समर्पित यह अस्पताल मध्य भारत का पहला सर्वसुविधा युक्त अस्पताल है, जहां महज 2 महीने में 30 मरीज अपने मोटापे और डायबिटीज से छुटकारा पा चुके हैं। और यह संभव हो सका है यहां की सुविधाओं की वजह से। आइए देखते हैं क्या हैं वो सुविधाएं जो दूर दूर से मरीजों को यहां खींच रही हैं। सबसे पहले बात डॉक्टर मोहित भंडारी की, जिनकी काबिलियत के बारे में शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं। उन्होंने मोटापे एवं डायबिटीज के इलाज की ट्रेनिंग फ्रांस से प्राप्त की और डायबिटीज सर्जरी में विशेष योग्यता ताइवान से हासिल की है। सब कुछ यूं ही हो जाता है बयां। गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट ही नहीं, अस्पताल के बाहर इकट्ठी ये भीड़ देती है गवाही। डॉक्टर भंडारी के मुताबिक इस अस्पताल में विश्व की नामचीन कंपनियों की मेडिकल मशीनें उपलब्ध हैं। ये सबसे आधुनिक सेंटर इसलिए है क्योंकि हमारे पास कार्लस्टोर्स और स्ट्राइकर, दो जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनसे उनके द्वारा स्थापित हाई डेफिनेशन कैमरा है और पूरा का पूरा इंटेलिजेंट ऑपरेशन थिएटर है, जहां पर कि टेबल पे खड़े खड़े सर्जन ऑपरेशन थिएटर की लाइट, कॉटरी और टेबल की हाइट से लेकर सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। कुछ और बेहतरीन उपकरणों से सुसज्जित है यहाँ का ऑपरेशन थिएटर। जैसा शायद कहीं और नहीं। ये देखिए, ये इतना आधुनिक है कि यहाँ के डॉक्टर्स बिना अपनी जगह से हिले मशीनों और ऑपरेशन टेबल को जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ खास है यहाँ। ये एक डिजिटल और इंटेलिजेंट ऑपरेशन थिएटर जिसको OR1 कहा जाता है, जिसमें कि सभी HD कैमरा, हाई डेफिनेशन कैमरा होते हैं। ऐसे एक एक OT में 3-3 कैमरा लगे हुए हैं और 6-6 मॉनिटर्स लगे हुए हैं। ये सुविधा साथ में एक बेरियाट्रिक की टेबल, मोटापे की सर्जरी की टेबल, सामान्यतः तौर पर लोग जो मोटापे की सर्जरी करते हैं वो रूटीन टेबल पर सर्जरी करते हैं, उससे मरीज को और सर्जन दोनों को असुविधा होती है। हमारे पास एक बहुत चौड़ी और 250 किलो तक का वेट सहन करने वाली बेरियाट्रिक या मोटापे ओबेसिटी सर्जरी की अलग से टेबल है और
इसके अलावा वो सभी दूरबीन और उससे रिलेटेड औजार हमारे पास उपलब्ध हैं जो कि दूरबीन की सर्जरी के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जो मोटापे की सर्जरी के लिए विशेष तौर पर यूज़ होते हैं। वो लंबे औजार होते हैं क्योंकि मरीज की जो चर्बी होती है वो बहुत थिक होती है और उस चर्बी को अंदर भेद के जाना होता है, तो स्पेशल पोर्ट्स और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं जो हमने पूरे हमारे दोनों सेंटर्स पे भंडारी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर और मोहक हाईटेक स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इकट्ठे करे हैं, और इसी कारण से यहाँ पर जो सर्जरीज हैं और यहाँ के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और कम समय में, सिर्फ 2 माह के समय में हमने कुछ 30 ऑपरेशन अभी किए हैं, जो कि एक इतने कम समय में इतने ज़्यादा ऑपरेशन एक रिकॉर्ड जैसा ही है, और वो यहाँ की सुविधाओं के कारण और टीम के कारण हम कर पाए। ये तो बात हुई यहाँ की सुविधाओं की, और अब बात उस बीमारी की जो कई जानलेवा बीमारियों की जड़ है, और उस जड़ को ही यहाँ जड़ से खत्म किया जाता है। देखिए, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ करीब करीब 10 बीमारियां एसोसिएटेड हैं, 10 से 15 बीमारियां। जो मोटापे का मरीज होता है, जो कि जिसको कि हम मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट बोलते हैं, उसको इसके साथ में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब हार्ट की सभी वेसल्स का ब्लॉक हो जाना जिससे कि बार बार हार्ट अटैक आ सकता है पेशेंट को, उसके अलावा जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, उसके अलावा लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी यानी रीनल फेलियर, ऐसी एसोसिएटेड और भी बीमारियाँ जैसे ब्रेन के अंदर स्ट्रोक का हो जाना, कैंसर का हो जाना, ये सभी की सभी बीमारियां मोटापे के साथ एसोसिएटेड हैं। तो मोटापा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मोटापा एक साधारण सी या नॉर्मल सी बीमारी, इट इज इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बीमारी जो 15 और बीमारियों को जन्म देती है। सिर्फ मोटापा ही नहीं बल्कि पेट और छाती से संबंधित सभी सर्जरीज यहाँ की जाती है। देखिए, ये विशेष तौर पे एक मिनिमल एक्सेस ओबेसिटी और डायबिटिक सर्जरी का सेंटर है। यहाँ पर दूरबीन से होने वाली पेट की सभी सर्जरी, पेट और छाती की सभी सर्जरी की जाती है। और आइए अब जानते हैं कि आखिर मोटापा घटाने की कौन कौन सी तकनीकें हैं यहाँ। ये सर्जरी 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार जिसे हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं, जो हमारे सेंटर पे सबसे कॉमनली किया जाता है। इसमें मरीज के शरीर में, जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटे छोटे से छेद करते हैं, और ये पोर्ट्स जो हमारे, जिनके थ्रू हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं, ये मरीज के शरीर के अंदर जाते हैं। अब आप देख रहे हैं शरीर के अंदर छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जा रहे हैं, ये छेद 0.5 सेंटीमीटर के होते हैं जो गलने वाले धागे से बंद कर दिए जाते हैं। अब आप अंदर का शरीर का हिस्सा देख सकते हैं, ये पेट का हिस्सा है। साधारण तौर पे जो एक मोटे व्यक्ति में खाना आ रहा है, तो ये एक मोटे व्यक्ति का पेट है जिसमें खाना आ रहा है, और अगर आप देख सकते हैं तो पेट के हर हिस्से से खाना एब्जॉर्ब हो रहा है और ये खाना पच रहा है और आगे की तरफ जा रहा है। अब हम अंदर एक स्टेपलर इंट्रोड्यूस करते हैं और पेट के एक्सेसिव हिस्से को हम काट के अलग कर देते हैं। ये आपने देखा होगा, स्टेपलर से पेट का एक्सेसिव हिस्सा काट के अलग हो गया है, और इस एक्सेसिव हिस्से को हम पेट से काट के निकाल देते हैं, और पेट की जो कैपेसिटी है वो कुछ 80 ml रह जाती है, जो कि एक नॉर्मल स्टमक की कैपेसिटी है, और पेट एक ट्यूबुलर ऑर्गन जैसा हो जाता है। तो अगर आपने देखा होगा कि अब जो पेट बचा है इस ऑपरेशन के बाद, वो एक छोटा सा पेट बचा है, और इससे जो खाना अब जा रहा है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, वो एक बहुत ही कम खाना जा रहा है पहले के मुकाबले। इससे मरीज धीरे धीरे वेट रिड्यूस करता है। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेट का हिस्सा हमने इस पूरे ऑपरेशन में निकाल दिया है, उस पेट के हिस्से से एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन को ग्रेलिन कहा जाता है, वो हार्मोन भी निकल जाता है, और उस हार्मोन के निकलने के कारण व्यक्ति को भूख कम लगती है और डायबिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि ग्रेलिन जो है वो भूख बढ़ाता है और इंसुलिन के लिए प्रतिशोध भी पैदा करता है। तो ये ऑपरेशन है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जो कि बहुत यूज़फुल है और बहुत सिंपल ऑपरेशन है, और एक यंग लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस ऑपरेशन की खास बात ये है कि इसमें पेट के अतिरिक्त हिस्से के साथ साथ ग्रेलिन हार्मोन को भी निकाल दिया जाता है। ग्रेलिन न सिर्फ भूख बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, बल्कि इंसुलिन के लिए भी प्रतिरोध पैदा करता है। मतलब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। आइए इसके बाद देखते हैं ऑपरेशन नंबर 2 और 3। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसको रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं। ये बेरियाट्रिक सर्जरी का गोल्ड स्टैंडर्ड है और बहुत ही अच्छी सर्जरी है, लेकिन इस सर्जरी में उसी तरह से हम पेट में छेद करते हैं, और अगर आप देखेंगे तो उनसे, उन छेदों के थ्रू हमारे पोर्ट्स आते हैं, ये अंदर का हिस्सा बताया हुआ है। इस ऑपरेशन में हम लोग पेट के एक हिस्से को दूसरे पेट से पूरी तरह से अलग कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि स्टेपलर के थ्रू हमने पेट के एक हिस्से को अलग कर दिया, ये एक छोटा स्टमक का पाउच बन जाता है, और छोटी आंत के एक हिस्से को काट कर इस पेट के छोटे से हिस्से से जोड़ देते हैं।
जैसे कि आप इस विजुअल में देख सकते हैं, पेट के एक छोटे से हिस्से से छोटी आंत को लाकर जोड़ दिया है। अब हमारा भोजन बचे हुए पेट में, जो बड़ा पेट है उसमें नहीं जाता है, सीधे भोजन पहले छोटे पेट में जाता है और उसके बाद इस छोटी आंत के थ्रू होता हुआ खाना आगे की तरफ निकल जाता है। खाना जो है वो आ रहा है और खाना आके सीधे इस छोटे पेट से होता हुआ हमारी आंतों में चला जाता है। तो इससे हम इस बड़े पेट में खाना कभी जाता नहीं है। और अगर आप देख रहे हैं तो इससे हम बाइल और पेनक्रियाटिक जूस दोनों को बाईपास भी करते जा रहे हैं। तो इस ऑपरेशन में दो फायदे हुए हैं। एक तो ऑपरेशन में पेट की कैपेसिटी छोटे होने से ये एक रेस्ट्रिक्शन हो गया है, तो पेट का पाउच अब 30 ml का है। और दूसरा, पित्त और बाइल, मतलब पित्त यानी बाइल और पेनक्रियाटिक जूस उस खाने से मिल ही नहीं रहा है, तो खाना पचेगा भी नहीं और खाना कम क्वांटिटी में भी लिया जाएगा। इस ऑपरेशन से ऐसे मरीज जो कि डायबिटिक हैं और जिनका वजन 130 किलो से ज़्यादा है, उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा पहुँचता है। एक बेंडिंग का भी एक प्रोसीजर होता है जो इसके अलावा इस्तेमाल में लिया जाता है। बेंडिंग में वैसे ही आप देख सकते हैं कि पेट में छोटे छोटे से छेद किए हैं जो 0.5 सेंटीमीटर्स के हैं, और इन छेदों के थ्रू हमारे पोर्ट्स अंदर जाते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं। अब आप दूरबीन से अंदर का हिस्सा देखेंगे और हम इसमें पेट की तरफ फोकस करेंगे। एक बैंड हम इंट्रोड्यूस करते हैं और उस बैंड का काम होता है कि वो बैंड पेट के चारों तरफ बांध दिया जाता है दूरबीन के थ्रू। अब आप देखेंगे तो ये बैंड अंदर पेट में इंट्रोड्यूस हो रहा है और ये बैंड अंदर जाएगा और पेट के ऊपर बांध दिया जाएगा इसी तरह से जैसे कि इसमें दिख रहा है। और इसको बांधने से अब आप देखेंगे एक ऊपर छोटा सा पेट अलग बन गया, एक छोटा सा पाउच बन गया है। तो ऊपर का पाउच अलग हो गया और नीचे का पाउच अलग हो गया है। इसका इस बैंड से जो कनेक्टेड नली है उसको निकाल के हमारे चमड़ी के नीचे दबा दिया जाता है, ताकि जब भी हम चाहें, तो जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि हमने उसको चमड़ी के नीचे दबा दिया, यूजुअली ये दिखता नहीं है, ताकि जब भी आप चाहें इस बैंड का काम, इसके काम की इंटेंसिटी या बैंड कितना काम करेगा उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यदि किसी पेशेंट में, अब जैसे आप देख रहे हैं खाना आ रहा है और खाना बैंड से रुक रहा है और फिर उसके बाद खाना आगे जा रहा है, इससे पेशेंट को एक फुलनेस की फीलिंग होती है, उसे कम भूख लगती है, उसे लगता है कि मेरा पेट जल्दी भर गया है। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि आपको इसके रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने हैं, आप चाहते हैं कि और वेट लॉस करना है, तो इस बैंड के अंदर एक इंजेक्शन पोर्ट होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इस इंजेक्शन पोर्ट से हम हवा अंदर भरते हैं तो बैंड और टाइट हो जाता है, और टाइट होने के बाद बैंड जो है उसमें और तेज़ी से हवा भर जाती है। आप देखिए बैंड में हवा भर रही है और पेट की साइज़ धीरे धीरे और छोटी होती चली जा रही है। तो अब जब ये मरीज खाना खाएगा तो पहले के मुकाबले और कम क्वांटिटी में भोजन उसको लगेगा और उसे एक फुलनेस की फीलिंग आएगी, क्योंकि ऊपर जो पेट का हिस्सा बच गया जो बैंड के ऊपर है, वो एक अपने आप में एक पेट का काम करता है जो मरीज के दिमाग को ये डायरेक्शन दे देता है कि अब मेरा पेट पूरी तरह। सारे मेंबर्स ने काफ़ी सपोर्ट करा और काफ़ी अच्छा नेचर और काफ़ी अच्छा रहा। मोहित भंडारी और डॉक्टर टीम ने पूरे ने बहुत सहयोग किया, काफ़ी देख रेख करते हैं मरीज की, काफ़ी पूछताछ अच्छी तरह से करते हैं। डॉक्टर मोहित भंडारी और उनकी टीम ने आपकी सर्जरी की, इस टीम के बारे में और डॉक्टर भंडारी के बारे में आपकी राय? एक्सेलेंट टीम, क्योंकि पूरा टीम वर्क है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस हॉस्पिटल में इस टाइप के सर्जरी के लिए अवेलेबल है वो काफ़ी बढ़िया है। प्री ऑपरेटिव, ड्यूरिंग ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, ये तीनों स्टेजेस जो है ये काफ़ी मायने रहते हैं इसमें, क्योंकि मोटापे वाले पेशेंट्स की सर्जरी और आम पेशेंट्स की सर्जरी में काफ़ी अंतर रहता है। इनको ज़्यादा मॉनिटरिंग लगती है, रिस्क भी एनेस्थीसिया में ज़्यादा रहती है। तो ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए यहाँ पे सारे प्रकार के विशेषज्ञ उपलब्ध है। लोगों के अंदर सर्जरीज के प्रति और उससे साथ होने वाले दर्द के प्रति एक शुरू से डर रहता है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे दर्द सर्जरी के बाद होने वाली जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस उसके बारे में? दर्द के मामले में तो ये कहना पड़ेगा दर्द तो नहीं होता ऐसे, क्योंकि इसमें जो लेजर से जो ऑपरेशन किया जाता है उसके कारण इसमें कोई विशेष काट छाट या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती है कि जिससे कोई बाद में बड़े टाँके लगे, आउटसाइड में कोई टाँके लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। माइनर से जो छेद होते हैं वो आफ्टर 7 days 10 days में ख़त्म हो जाते हैं। रही दर्द या पीड़ा की बात तो 4 दिन 5 दिन बाद ही मैं अपनी रूटीन वर्किंग के अंदर इसके अंदर आ गया था। बहुत से लोगों को दर्द जो ऑपरेशन के साथ होता है और उसके बाद होता है उसका बड़ा डर रहता है, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? इस ऑपरेशन करने से मतलब न कोई दर्द हुआ है न कोई परेशानी हुई है, व्यक्ति अपने आप स्वस्थ रहता है। हैरत की बात है कि यहाँ ऑपरेशन के 6 महीनों के अंदर ही ज्यादा वजन वाले मरीज 80 किलो तक वजन कम कर लेते हैं और आपकी भारी भरकम काया हो जाती है बीमारी रहित और सुंदर सुगठित। आइए उन मरीजों से मिलें
जिन्हें इस सर्जरी से लाभ प्राप्त हो चुका है। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है आपका वजन कम होना, तो जल्दी कीजिए। आइए भंडारी हॉस्पिटल एंड रिसर्च